हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं रंजीत और यह है एथर 450X और आज इसका रिव्यू करेंगे। और ये बेस वेरिएंट है एथर का और ये 1.5 लाख रुपए में आता है ऑन रोड। वीडियो को आगे करते हैं और देखते भाई इसमें क्या क्या फीचर वगैरह आते हैं, तो उस भाई स्टार्ट करते हैं। और ये भाई इसके DRL दिए गए आगे और यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं, क्योंकि अब जला के दिखाता हूँ। ये इस तरह भाई, और इसकी LED लाइट दी गई इसमें। और रात में इसका थ्रो काफ़ी अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है। और ये भाई इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए, और ये मडगार्ड ये थोड़ा ऊंचा से दिया गया है, जैसे एडवेंचर बाइक में देते हैं इस तरह का दिया गया है। और मजबूत भी है, क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक की इसकी। तो ये अलॉय व्हील दिया गया और 12 इंच का जो टायर दिया है 90/90/12। और यहाँ पे भाई ये वेंट्स दिए गए, तो फ्लोर के नीचे बैटरी है तो इसको हवा देने के लिए यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे भाई डिस्क ब्रेक दिए गए इसके, तो ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो बुरी भी नहीं है, ठीक है, अच्छी कहूँगा मैं तो, ब्रेकिंग अच्छी है। और साइड में चलते हैं भाई, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 153 mm है, और जो इसका सीट हाइट है वो है 780 mm। और स्पेस बीच में ठीक दी गई है, लेकिन पेटी अगर थोड़ी ढंकी रखे तो शायद ठीक से आएगी नहीं, क्योंकि स्पेस इसके बीच में जो स्पेस है वो कम दी गई है, तो लेकिन थोड़ा और चौड़ा होता तो ठीक रहता। और ये भैया यहाँ पे फुटरेस्ट दिए गए हैं, और ये प्लास्टिक के है तो यहाँ पे आप पैर रख सकते हो भाई। और यहाँ पे भी एक यहाँ से आप वायर निकाल सकते हो अगर चार्जर अंदर रख के, और यहाँ पे चार्जिंग पे लगा सकते हो। और जो रेंज मिलती है कंपनी क्लेम रेंज है वो है इसकी 111 किलोमीटर रेंज। और जो बैटरी है वो 2.9 किलोवाट की बैटरी है। तो भाई पीछे चलते हैं, और जो टायर्स दिया गया वो 12 इंच का दिया गया है, 180/12। डिस्क ब्रेक दिया गया है और मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है यहाँ पर। और पीछे चलते हैं भाई, तो LED टेल लाइट दी गई है, और ये भाई ग्रैब हैंडल दिया गया है। और भाई यहाँ पे बल्ब दिया गया है पीछे, नंबर प्लेट शो हो जाए ताकि, और ये इंडिकेटर दिया गया है इस साइड या और इस साइड। और यहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम दिया गया है, और इसका जो बूट स्पेस है ना 22 लीटर का दिया गया। और यहाँ पे इसकी लाइट दी गई है तो ठीक है। और यहाँ से आप चार्जर रख के और तार यहाँ से निकाल के तो चार्ज कर सकते हो। और ये भाई इसका सॉकेट यहाँ से बंद होगा और यहाँ से ऐसे खुलेगा। और जो चार्जिंग टाइम है शायद 8.5 घंटे दिया गया है। इसका चार्जर खो गया था, तो नया चार्जर इसका शायद 24,000 का आता है, 20 से 24,000 का। तो वो जो चार्जर भी लिया वो दूसरे वाला लिया है, मतलब इससे शायद वो 14-15,000 का आता है, वो वाला चार्जर लिया है। और इसके यहाँ पे चाबी वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर इस तरह भाई ये ऐसे ऑन होगी ऑफ, और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो बूट ऑन हो जाएगा। और ये भाई इसका मीटर, बैटरी दिखा रहा है, और भाई किलोमीटर दिखा रहा है, टाइम। और ये भाई मोटर ऑफ है, ये साइन दिखा रहा है। और ये भाई इसमें स्टैंड लगा हो तो इसमें ये दिया गया है मोटर ऑफ का। और इससे भाई कुछ नहीं होता, इससे बस नाम चेंज होता और कुछ नहीं होता। और ये बटन इससे भी भाई कुछ नहीं होता, मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं इसका क्या काम है, आप बता देना भाई कमेंट्स में। और ये भाई हाई लो हाई बीम का है भाई। और ये भाई इसके मिरर दिए गए, और ये भाई इसके इंडिकेटर। और इंडिकेटर का ये है कि अगर आप इसको दबा के छोड़ के भूल जाते हैं ना, एक तो ये बीप करते तो भूलने का तो कोई चांस नहीं है, फिर भी आप भूल जाते हो तो 30 सेकंड तक ये चलते रह गए, अपने आप बंद हो जाएगा 30 सेकंड बाद। और ये भाई इसका हॉर्न, तो हॉर्न ठीक है, और हालांकि IQ का इससे तेज़ है। और भाई ये स्विच दिया गया है ऑन ऑफ का, अगर चाबी ऑन है तो आप इससे ऑफ भी कर सकते हो, ताकि अगर कोई बच्चा या रेस दे तो स्कूटी आगे ना जाए। और ये इससे आप रिवर्स कर सकते हो, 5 की स्पीड है, और 5 की स्पीड फॉरवर्ड में है, तो इसी में आप कर सकते हो।
और इसका भी मेरे को भाई समझ ही नहीं आया कुछ भी, ये और ये बटन समझ से बाहर है भाई। और ये भाई स्विच है, अगर आप ब्रेक के साथ इसको दबा दे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, अगर इसको भी ये भी है तो ऑन। तो भाई इतना ही कुछ था, और जो इसकी जो बैटरी की जो वारंटी है वो 30,000 किलोमीटर और 3 साल की है, तो बढ़नी चाहिए। और ऊपर से महंगा है, और ना इसमें कुछ फीचर है, और ना इसकी इतनी बढ़िया रेंज है, और ना इसमें कुछ मोड दिए गए हैं। तो रेंज आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें मोड ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम रो है। जैसा आप थ्रोटल दोगे वैसे ही ये रेंज देगी, और वैसा ही रिस्पॉन्स करेगी, रिस्पॉन्स तगड़ा करती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो पिकअप का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इसमें रेंज कम है। और भाई राइड क्वालिटी भी ओके है, अच्छी है, और काफ़ी लाइट फील होती है। 110 या 108 किलो का इसका वेट है, और जो बैटरी है वो 2.9 किलो वाट की है, वो शायद बताया था मैंने बीच में। बस इतना ही था, और प्लास्टिक क्वालिटी भाई ओके है, ज़्यादा कोई बुरी नहीं है। बस यही था कि इसमें कुछ फीचर दे देते और प्राइस थोड़ा कम कर देते, क्योंकि इतनी ओवर प्राइस है ये। इसमें बस इतना ही था, अगर कुछ रह गया तो भाई माफ़ करना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।